हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू अव्यक्त चैनल। सो इन माय लास्ट वीडियो जिसमें मैंने अव्यक्त की इम्प्रूवमेंट शेयर करी है, उसमें काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही है कि जब अव्यक्त का डायग्नोसिस हुआ था तब सिचुएशन क्या थी एंड हमने कैसे अव्यक्त के साथ काम करना स्टार्ट किया। सो हियर आई एम शेयरिंग यू सम वीडियोज़। ये अव्यक्त के 1.5 साल से लेके 2.5 साल तक के वीडियो हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि अव्यक्त का रिस्पॉन्स टू नेम बिल्कुल भी नहीं था। सो यहाँ पे अव्यक्त 18 मंथ्स का है ऑलमोस्ट एंड अव्यक्त का स्पीच अभी तक नहीं आया था। थोड़ी बहुत जो बैबलिंग थी वो भी स्टॉप कर दी थी अव्यक्त ने। एंड अव्यक्त को हमेशा से ABCD पज़ल बहुत पसंद था। सो हेयर अव्यक्त इज़ प्लेइंग विद हिज कज़िन सिस्टर और द आयरनी इज़ कि अव्यक्त की सिस्टर का भी जो स्पीच आया था वो 2 ईयर के बाद आया था। तो दैट वॉज़ ऑल्सो अ रीज़न कि मैं बिल्कुल भी वरीड नहीं थी कि अव्यक्त का स्पीच क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज सेम दित्य का स्पीच भी 2 साल के बाद आया था। तो मुझे हमेशा यही लगता था कि शायद अव्यक्त भी जब 2 साल का हो जाएगा तो वो बोलना स्टार्ट कर देगा। इन दिस वीडियो अव्यक्त इज़ 2 ईयर ओल्ड एंड उसका असेसमेंट हो चुका है और हमें पता चल चुका है कि अव्यक्त का कार्स स्कोर नियर टू माइल्ड ऑटिज़म है। माइल्ड ऑटिज़म इसलिए बिकॉज अव्यक्त को कोई भी हैंड फ्लैपिंग नहीं थी बाय द टाइम, उसको टो वॉकिंग नहीं थी, साइड ग्लैंसिंग नहीं थी, वो किसी चीज़ से डरता नहीं था। इट्स जस्ट दैट वो कोऑपरेटिव नहीं था और थोड़ा सा हाइपर एक्टिव था। सो हेयर ही इज़ नॉट रनिंग हेयर एंड देयर बिकॉज वी हैव गिवन हिम सो मैनी टॉयज। सो वो इंगेज करने का ट्राई कर रहा है एंड हिज पापा इज़ ऑल्सो सिटिंग हेयर एंड प्लेइंग विद हिम। सो दैट इज़ द रीज़न वो बैठा हुआ है, अदरवाइज अगर हम उसको आइसोलेटेड छोड़ देते थे तो वो केवल भागता रहता था यहाँ से वहाँ। सो दिस वॉज़ द टफेस्ट टाइम क्योंकि यहाँ पे अव्यक्त का एक ऑलरेडी सर्जरी हो चुका था, उसको क्रोनिक नोज़िया होता था, वो खाने में केवल सेमी सॉलिड या लिक्विड फूड ले रहा था। तो सेम टाइम पे हमने थेरेपी 3 डेज़ अ वीक के साथ स्टार्ट किया था, बट हमें अभी रिज़ल्ट नहीं मिले थे बिकॉज इट वॉज़ टू अर्ली टू जज। बट हम अपनी तरफ से बेस्ट देने का ट्राई कर रहे थे कि हम अव्यक्त को अपने साथ एंगेज कर सकें और अव्यक्त कुछ 1-2 वर्ड बोलना स्टार्ट कर दे। इट वॉज़ द टफेस्ट टाइम क्योंकि हमें नहीं पता था कि हमारे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। वो ऑलरेडी एक मेडिकल इशूज़ से डील कर रहा था एंड दिस वॉज़ द अनादर इशू, बट ये इसके बारे में सोचने के लिए हमारे पास ज़्यादा टाइम ही नहीं था बिकॉज उस समय हमें अव्यक्त की लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती थी। इट डजेंट मैटर कि हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है, न्यूरोटिपिकल है और या न्यूरोडाइवर्स है। We just decided to do our best what we can do. In this video, अव्यक्त is almost 2.5 year old and यहाँ पे हमने अव्यक्त के साथ घर पे activities करना start कर दिया था क्योंकि थोड़ी बहुत sitting आ गई थी अभी। Very good. Green. 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 Green goes to green cup. Green cup का है? हाँ. स्टार्टेड एंगेजिंग अव्यक्त इन स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज़ लाइक क्ले एंड शेप्स एंड मैचिंग एंड सिंपल सॉर्टिंग एक्टिविटीज़ जो कि हम आज भी करते हैं। इट्स जस्ट दैट जब अव्यक्त 2-2.5 साल का था तो उसका लेवल कॉम्प्लेक्सिटी लेवल थोड़ा कम था एंड जैसे जैसे बच्चा सीखते जाता है हम एक्टिविटीज़ को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते जाते हैं ताकि वो एक्टिविटीज़ एज अप्रोप्रिएट हों। तो यहाँ पे देखिए मैंने अव्यक्त का सिटिंग अरेंजमेंट कैसे किया है। मैंने अव्यक्त का चेयर एंड टेबल दोनों बांध रखा है अगर आप ध्यान से देखें, ताकि अव्यक्त को एस्केप करने की जगह ना मिले। और जब अव्यक्त भाग नहीं पाएगा तो डेफिनेटली वो भले ही 2 मिनट अटेंशन दे बट वो उस एक्टिविटी में अटेंशन देगा। एंड देन आई रियलाइज्ड कि अव्यक्त को क्ले खेलना पसंद है तो मैंने क्ले यूज़ किया अव्यक्त का सिटिंग टॉलरेंस लाने के लिए। सो दिस इज़ मैचिंग एक्टिविटी जो हमने अव्यक्त के साथ सबसे पहले स्टार्ट करी थी। इसमें हमने स्टैकिंग कप लिए हैं और केवल 2 बॉल और 2 कप के साथ स्टार्ट किया है सो दैट बच्चे को धीरे धीरे करके अंडरस्टैंडिंग आए एंड देन वी कैन इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी हियर अगेन। सो डोंट एक्सपेक्ट टू मच। बाय दिस टाइम मुझे भी नहीं पता था कि मेरा बच्चा 1 या 1.5 साल के बाद क्या कर पाएगा और क्या नहीं कर पाएगा। एट दिस टाइम आई जस्ट स्टार्टेड ओनली।
दिस टाइम मुझे पर्सनली कुछ भी नहीं पता था ओटी के बारे में कि ओटी में क्या क्या होता है, बच्चे की सेंसरी नीड क्या होती हैं. सो आई वॉज जस्ट, मैं जो भी देख रही थी मैं फॉलो कर रही थी कि मैं किसी भी तरीके से अपने बच्चे की हेल्प कर पाऊँ. सो फर्स्ट आई गिवन हिम दिस बॉल पूल एंड ये जो बास्केट आप देख रहे हैं इस पर मैंने सिंपली ये एक तरीके का नेट बना दिया था एंड मैं इसमें बॉल डाल देती थी और अभी उसको बोलती थी निकालने के लिए. तो इट वॉज काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल कोर्स फॉर हिम. सो इनिशियली हमने विक के साथ इतना फुल फ्लैश काम नहीं किया है इसलिए हमें रिजल्ट मिलने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आपको जैसे ही बच्चे का डायग्नोसिस पता चलता है, आप अगर लगातार उसके साथ काम करेंगे तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेंगे और बिलीव में बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलेंगे. तो ऑटिस्टिक बच्चों के केस में जितना बच्चों को प्रोफेशनल हेल्प रिक्वायर्ड होती है उससे कई गुना ज़्यादा बच्चों को पेरेंट्स की अटेंशन रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि जितना जल्दी बच्चे पेरेंट्स से सीखते हैं उतना जल्दी शायद प्रोफेशनल थेरेपिस्ट से भी नहीं सीखते हैं, क्योंकि वो जो स्पेशल टच होता है ना मदर और फादर का, वो बच्चे को इंगेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. सो आई होप आई हैव गिवन आंसर इन दिस वीडियो कि हमने अभियुक्त के साथ कैसे काम करना स्टार्ट करा है. और अभियुक्त के ऑटिज्म सिम्टम्स की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभियुक्त ने कहीं भी हैंड फ्लैपिंग नहीं करी है, अभियुक्त ने साइड ग्लैंसिंग नहीं करी है. केवल और केवल अभियुक्त का स्पीच डिले एंड हाइपर एक्टिविटी दो इशूज़ थे जिनकी वजह से हम असेसमेंट के लिए गए. मेजर रीजन तो स्पीच ही था बिकॉज हाइपर एक्टिविटी वॉज नॉट अ कंसर्न फॉर अस. बट बाय द टाइम जैसे जैसे अभियुक्त बड़ा होने लगा तो उसकी हाइपर एक्टिविटी बढ़ने लग गई थी और कुछ नए सिम्टम्स दिखने शुरू हो गए थे हमें, जैसे टो वॉकिंग आ गई थी, बाइटिंग आ गई थी. सो वी वर लकी इनफ कि हमें सही टाइम पे सही गाइडेंस मिला और हम इन सिम्टम्स को ओवरकम कर पाए. सो टो वॉकिंग तो अभियुक्त की कम्प्लीटली चली गई है और उसके लिए मैंने एक्सरसाइजेस दूसरे वीडियो में शेयर भी करी हैं और बिलीव में सिर्फ उन्हीं एक्सरसाइजेस की हेल्प से अभियुक्त का टो वॉकिंग चला गया है. सो पेरेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आप चैनल पे नए हैं तो बाकी के वीडियोस भी देखिए, आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी, प्लस आपको मोटिवेशन मिलेगा. बिकॉज लर्निंग से ज़्यादा हम पेरेंट्स को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है कि वी आर नॉट अलोन, हमारे जैसे और भी पेरेंट्स हैं हु आर स्ट्रगलिंग विद सेम इशूज़ एंड हाउ दे आर ग्रोइंग विद देयर चाइल्ड, वो कैसे नॉलेज गेन कर रहे हैं, हाउ दे आर वर्किंग. इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो हम नॉलेज गेन करते हैं वो तो हमें बुक्स से भी मिल जाएगा, वो हमें थेरेपिस्ट से भी मिल जाएगा, बट द मोटिवेशन विच वी नीड वो हमें शायद बाकी पेरेंट्स को देखकर ही मिलता है. तो आज के वीडियो में बस इतना ही. अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो पे कमेंट करिए और इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं, मैं आपको कनेक्ट कर लूँगी एंड देन वी कैन डिस्कस जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए. इफ़ आई कैन हेल्प तो आई बी मोर देन हैप्पी. आगे के कुछ मिनट में आप अभियुक्त को प्लेग्राउंड में एंजॉय करते हुए देख सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय. घुमा दो. यहाँ से आओ, यहाँ आओ. अभियोग अभियोग यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ गिव मम्मा 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 मम्मा.
अभियोग अभियोग।